शादी विवाह के चलते इन दिनों यात्रियों को हो रही परेशानी, तेज लगन के चलते बसों की कमी का दिख रहा असर, घंटों इंतजार के बाद भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही बसें। वैवाहिक सीजन के चलते लगातार बसों की समस्या बनी हुई है। बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ तो नजर आती है, लेकिन स्टैंड में बसें नहीं देखने को मिल रही हैं, जिसका खामियाजा दूर दराज से आने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। और दिनों में जहां स्टैंडों में बसों का तांता लगा रहता था, वहीं इन दिनों सारी बसें नदारद दिख रही हैं। ज्यादातर बसें बारात के लिए बुक हैं, ऐसे में यात्रियों की फजीहत हो रही है। इस तेज गर्मी में उन्हें कई कई घंटों बस का इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बाद भी उन्हें बसें नहीं मिल पा रही, जिसके चलते उन्हें मजबूरन टैक्सी और ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर वापस लौटना पड़ रहा है। यात्रियों को बसों की कमी के चलते हो रही परेशानी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परिवहन विभाग ने बसों को बारात ढोने का परमिट तो दे दिया, लेकिन यात्रियों की कोई चिंता नहीं की, जिसके चलते यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। आई से कम 3 घंटे हो गया, मेरे समस्या से आया, कोई बाहर नहीं मिला। क्या यहाँ क्या स्थिति है, बस की क्या स्थिति है यहाँ पे? बस तो एक भी नहीं है, ना तो इधर शंकरगढ़ साइड की है, ना तो दौरा साइड की। मेरे को जाना है रीवा से समझ लिया, कम से कम 3.5 घंटे हो गए अभी तक, बस तो है नहीं, कोई साधन नहीं है जाने। कैसे जाएंगे आप? अब देख रहे हैं, नहीं तो वापस जाएंगे। 9 बजे सुबह ही था, गाड़ी नहीं मिली, अच्छा खड़ी जाए कहा। अब अपने घर लौट जा, रायपुर का चिलियन से आए, बारात आज का है, कोई गाड़ी नहीं मिली, का करो तब ना मिली तो घर लौट जा। हाँ, आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या? नाम के द्विवेदी है, समस्या बड़ी जटिल है जी, हमारे स्वास्थ्य खराब में शहडोल से आ रहा हूँ, अब यहाँ सुबह से आया हूँ और कोई साधन नहीं है, हमको जवाहर साइड जाना, जवाहर से 10 किलोमीटर आगे, जवाहर तक के लिए भी कोई मिल जाए तो, परिवार हमारा वहाँ पर बैठा है, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, शायद कोई जुगाड़ बन जाए, कुछ नहीं दिख रहा है आगे क्या होगा, तो हम जान नहीं लगता है, यही गुजारनी पड़ेगी। 5 बजे सुबह गाड़ी वाहन नहीं है मेरे घर में, मैं नहीं परेशान है। कहाँ से कहाँ जाएगा? जेपी से जाए कहाँ जवा, एक भी गाड़ी वाहन नहीं है, लौट जाए घरे में नहीं कहा करे, जब तक बड़ा छोड़ दे। सवेरे से 5 बजे सब लोग बैठे हैं, हम लोगों को जवा या दोपहर जाना है, रामबाग एक भी बस नहीं है, बस स्टैंड खाली पड़ा है। प्रशासनिक कार्रवाई जो हो रही है ये सब गलत हो रही है, यहाँ जितनी बसें हैं बसों को कम से कम, नहीं तो आरटीओ को ये सोचना चाहिए कि जो यात्री परेशान हो रहे हैं कम से कम 8-10 बसों को परमिट ना दिया जाए, परमिट ना दें तो बसें चलें रोड में, यात्री परेशान ना हो। यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लेडीज टॉयलेट भी देखिए सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, सब ये आरटीओ की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही और किसी की। अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, यात्री अब कहीं से पानी ले आए, कहीं से खाना ले आए, होटल में खाना खाएगा पैसा देना पड़ेगा, पानी खरीदेगा पैसा देना पड़ेगा, ये तो वो लोग सोचते नहीं हैं, उन्होंने तो अपना परमिट जारी किया, गाड़ियां बरात में चली गई, बस हो गए काम खत्म।